हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुल्फ स्टडी स्टडी विद गुल्फचा। आज का वीडियो है सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हम जानेंगे दुनिया के सात महाद्वीप कौन कौन से हैं, उनके बारे में सारी जानकारी यहाँ आपको मिलेगी। महाद्वीप क्या होते हैं, क्या कॉन्टिनेंट्स होते क्या है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस लिए उनको अलग अलग सात भागों में बांटा गया है, कैसे दुनिया को एक साथ अलग अलग महाद्वीपों में बांटा गया है, इस तरह से उस सारी चीजों को हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। जो पार्ट है आज की वीडियो का, ये जीके से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए सभी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हो, जो भी आपके फ्रेंड्स कोलीग्स, सभी के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड लास्टली यूरोप। These seven continents of the world make up the main land masses found on Earth. So, जो कि धरती पे समुद्र तल से कुछ ऊपर उभरे हुए जो महाद्वीप हैं, जिनको महाद्वीप कहा गया है, ऐसे जो लैंड मासेस हैं जो कि समुद्र तल से कुछ ऊपर उठे हुए हैं, बसे हुए हैं, उनको हम महाद्वीपों में बांटते हैं। तो उनके आकार के हिसाब से ही उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनको सेवन कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। दुनिया की पूरी जो लैंड मासेस है उसको सेवन कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है। और अर्थ इज कंप्राइज्ड ऑफ 71% वाटर, मीनिंग दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज एक्चुअली लैंड। तो इसका कुछ पूरी दुनिया का कुछ फ्रैक्शन ही जो कि धरती है, बाकी सारा 71% ऑफ वाटर है। दैट लैंड इज स्प्रेड आउट इन द सेवन लार्ज लैंड फॉर्म्स एंड कोल्ड कॉन्टिनेंट्स। तो जो धरती है 71% वाटर से अलग, जो हमारी 29% धरती है, जमीन है, उसको अलग अलग सेवन बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स में, बड़े बड़े लैंड मासेस में डिवाइड किया गया है, उसी को हम कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर दुनिया के सात महाद्वीप कहते हैं। द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड लास्टली ऑस्ट्रेलिया, समटाइम्स रेफर्ड टू एज ओशियनिया। तो ओशिनिया, इसको भी ऑस्ट्रेलिया को हम ओशिनिया भी कह देते हैं। दोस कॉन्टिनेंट हाउस द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ, और इन्हीं कॉन्टिनेंट्स पे सारी दुनिया बसी हुई है, सभी के घर इन्हीं पर बसे हुए हैं। तो इसी पूरी दुनिया को हम कॉन्टिनेंट्स में हमने डिवाइड किया गया है वैसे, और पूरे वर्ल्ड में ये सेवन कॉन्टिनेंट्स अलग अलग देशों में आते हैं। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि अगर हम इसके हिसाब से देखें, मैप के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप छोटा है कुछ, एशिया सबसे बड़ा है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ओशिनिया। ओशिनिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नाम की एक कंट्री भी है इसको, इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ लोग इसको ओशिनिया भी कह देते हैं। और दैट इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया सबसे छोटा है। फिर यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अंटार्कटिका। ठीक है, मैप के हिसाब से देखें तो हम इस तरह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड का मैप है उसमें इस तरह से ये कॉन्टिनेंट्स बसे हुए हैं, इस तरह से महाद्वीप उसमें है, और बाकी ये जो हमें ब्लू कलर में दिख रहा है ये पानी पानी है, 71% है वाटर। What is continent? Continent होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सेवन लैंडफॉर्म्स हैं दुनिया में, जो कि जिनका अपना अपना क्लाइमेट है, अपना अपना यूनिक ज्योग्राफी है, अपना अपना नॉर्थ साउथ अमेरिका विल बी रेफर टू सिंपली द अमेरिका। तो कुछ लोग नॉर्थ और साउथ अमेरिका को एक अमेरिका भी गिन देते हैं, और इसलिए फाइव कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं कई बार। लेकिन अगर हम अमेरिका को दो कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो वो सात हो जाते हैं। तो जो समुद्र तल से ऊपर उठकर जो धरती दिख रही है दुनिया के अंदर, जो धरती है उसको हम सेवन लैंडफॉर्म्स को अलग अलग सेवन भागों में डिवाइड किया गया है, और उसी को हम सेवन कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं।
Some people think there are only five continents: America, Asia, Africa, Australia, and Europe. तो कुछ लोगों का मानना ये है कि फाइव कॉन्टिनेंट्स हैं, और विच इज व्हाट द फाइव ओलंपिक रिंग्स प्रेजेंट, जैसे कि आपको ओलंपिक का जो सिंबल है फाइव रिंग्स उसमें दिखते हैं, तो वो फाइव रिंग्स फाइव कॉन्टिनेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दें तो हमारे सेवन कॉन्टिनेंट्स हो जाते हैं, और इसमें एक साउथ अफ्रीका आ जाता है। ओलंपिक रिंग्स प्रेजेंट, विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट इज सेवन। लेकिन ज्यादातर अगर हम उसको एक डिवाइड तरीके से देखें तो सेवन ही बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैप में भी दिखाया। सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम कई बार ओशिनिया भी कह देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नाम की कंट्री भी है, इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ एंड इज होम टू ओनली 0.3% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। तो इसमें दुनिया की पूरी धरती की 0.3% पॉपुलेशन ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर, ना कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो आप इसको ओशिनिया के नाम से समझे, ओशिनिया के नाम से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 0.3% पॉपुलेशन ही अर्थ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओशिनिया टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया एंड द कंटिनेंट नेम्ड ऑस्ट्रेलिया। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको ओशिनिया कह देते हैं। द लार्जेस्ट सिटी इन ओशिनिया इज सिडनी, ऑस्ट्रेलिया विद द पॉपुलेशन ऑफ 4.9 मिलियन पीपल। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 4.9 मिलियन पीपल यहाँ पर होते हैं। अ लॉट ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया इज इनहैबिटेड बाई ह्यूमंस, बट इट डज हैव अ मैसिव अमाउंट ऑफ यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर लोग आपको कम मिलेंगे, ह्यूमंस कम मिलेंगे, इंसान अगर हम देखा जाए तो इंसान यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वालिटी के यूनिक प्लांट्स मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यूनिक एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत यूनिक जंगल देखने के लिए मिलेगा यहाँ आपको। लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया इज नॉट फॉर द पेंट ऑफ हार्ड विद इट्स लार्ज डेजर्ट एंड स्केरी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े बहुत ही ज्यादा डरावने, बहुत ज्यादा जहरीले, पौधे भी और साथ ही साथ आपको जानवर भी अलग अलग तरीका के यहाँ का, यहाँ पर आपको इंसेक्ट्स मिल सकते हैं। इसमें अगर हम कंट्री देखो ऑस्ट्रेलिया फी पलाउ न्यूजीलैंड, इस तरह से ये आपको कंट्रीज यहाँ पर मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी कंट्रीज है। ये ग्रीनलैंड यहाँ पर जो दिखाया गया ना, ग्रीनलैंड ये क्या हो रहा है, इसमें ग्रीनलैंड जो कि हम कह देते हैं ना अमेजन के जंगल, वो आ जाते हैं यहाँ पर, अमेजन के जंगल जो कि ग्रीनलैंड के नाम से फेमस है। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट सेकेंड नंबर पर आता है। एंटार्क्टिका इज आर साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट, यूजुअली हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 1,000 to 5,000। व्हेन रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट आर विजिटिंग टू कंडक्ट टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड विद द टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन -110 degrees Fahrenheit टू 50 degrees Fahrenheit। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा जमा हुआ बर्फ है, और इट हैज वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन एंड इज एक्चुअली वन ऑफ द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको सूखा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं है। एंटार्क्टिका इज होम टू मैनी डिफरेंट एनिमल्स सच एज पेंगुइन्स, ऑर्कास, व्हेल्स, सील्स एंड इवन सम स्पीसीज ऑफ स्क्विड। तो यहाँ पर आपको जो कि बर्फ में रहने वाले जानवर हैं, ठंडे में रहने वाले जानवर, वो ऐसे एनिमल्स मिलेंगे, ऐसे ही पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि बर्फ में उगते हैं। ज्यादातर सारे में बर्फ ही बर्फ है एंटार्क्टिका में, और ये सबसे ज्यादा, इसको हम ठंडा रेगिस्तान भी कह देते हैं कई बार, ओके, सबसे ज्यादा ठंडा एरिया है दुनिया का। उसके बाद आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट आता है, फर्स्ट आता है एशिया, सेकेंड पर आता है लार्जेस्ट में अफ्रीका, एंड हाउसेज एटलीस्ट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एट 1 बिलियन पीपल। तो दुनिया की जो 16% जनसंख्या है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में आती है। ईस्टर्न अफ्रीका इज बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स एंड दैट रिसर्चर्स हैव फाउंड इन इथियोपिया दैट डेट बैक टू 2 lakh years ago। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्यादा माना जाता है कि
ह्यूमैनिटी का जन्म कहाँ पर हुआ है? ईस्टर्न अफ्रीका में. द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका रेंजेस फ्रॉम सब आर्कटिक इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट टू ट्रॉपिकल एट द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पर मौसम भी आपको मिला जुला मिलेगा. अफ्रीका इज होम टू बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ सच एज पीता, लायन, एलिफेंट्स, कैमल, स्नैक्स, अ मैसिव अमाउंट ऑफ सी लाइफ एंड मेनी स्पीसीज ऑफ प्राइमेट्स. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े जानवर, चीता, हाथी, शेर, स्नेक्स, एनाकोंडा, ये सारी चीजें आपको, बड़े बड़े स्नेक्स और बड़े बड़े एलिफेंट्स, जिराफ, अफ्रीकन एलिफेंट, यहाँ पर आपको अफ्रीका में बड़े बड़े जंगली जानवर मोस्टली देखने के लिए मिलेंगे. और अफ्रीका बहुत ज्यादा गर्म भी है. उसके बाद देखते हैं हम एशिया कॉन्टिनेंट. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें हमारी कंट्री आती है इंडिया. एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है. इज ऑल्सो द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, हाउसिंग 4.5 बिलियन पीपल यहाँ पर होते हैं. इट हैज द साइज ऑफ 17 मिलियन माइल्स एंड द क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम सब आर्कटिक एट द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पर मिली जुली आपको जो मौसम है वो मिलेगा, कहीं पर ठंडा कहीं पर गर्म. एशिया इज ऑल्सो होम टू द हिमालय माउंटेन्स विच इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ. जैसे कि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में गर्मी है, कश्मीर में ठंडी है, इसी तरह से एशिया में कहीं आपको बहुत ज्यादा ठंडी मिलेगी, कहीं पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी. मिला जुला मौसम मिलेगा, विच इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ. और हिमालय भी आपको एशिया में ही आता है. एशिया इज ऑल्सो होम टू दी टू द गोबी डेजर्ट विच इज स्प्रेड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट. तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें कि मोस्टली हमारी इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारी कंट्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. उसके बाद आता है यूरोप कॉन्टिनेंट. यूरोप इज होम टू 11% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद 740 मिलियन पीपल एंड टेक्स अबाउट 7% ऑफ द अर्थ लैंड मास. यूरोप में अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा है. 7% दुनिया का 7% धरती यूरोप में है. और अगर हम इसको पीपल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 11% पॉपुलेशन इसमें आती है. यूरोप क्लाइमेट इज एक्चुअली वेरी टेम्परेट एंड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय ट्रेड लाइंस एंड द गल्फ स्ट्रीम. द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप क्लाइमेट इज इन द tundra range, where the southern most part of the Europe is pretty dry. Animals are really heavily influenced by humans since most of the Europe is inhabited by humans. तो यहाँ पर आपको ऐसे animals मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा humans से infected हैं, humans से बहुत ज्यादा influenced हैं. Most of Europe is inhabited by humans. ज्यादातर जो है humans से मिला हुआ है, humanity ज्यादा है यहाँ पर. और सूखा ज्यादा है, पेटी ड्राई है, और क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा इसका ड्राई है यूरोप कॉन्टिनेंट का. उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. नॉर्थ अमेरिका टेक्स अप अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मासेस. यहाँ पर आपको 17% दुनिया की जो धरती है वो मिलेगी, कमिंग इन द 9.5 बिलियन स्क्वायर माइल्स ऑफ लैंड, टेकिंग इन द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ये थर्ड लार्जेस्ट आता है, फर्स्ट लार्जेस्ट इज द एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट इज द अफ्रीका, एंड थर्ड लार्जेस्ट इज द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट. एंड पॉपुलेशन यहाँ पे 560 मिलियन, होल्डिंग 7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. द क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम आर्कटिक इन इट्स नॉर्थर्न मोस्ट पोर्शन टू सब ट्रॉपिकल इन इट्स साउथर्न मोस्ट रीजन्स. एनिमल्स हु कॉल नॉर्थ अमेरिका होम इंक्लूड बियर्स. यहाँ पर आपको बियर्स, टर्कीज, वोल्व्स एंड बाइसन. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज रेटेड एज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2016. तो अमेरिका जो है वो हमारा 2016 में रिचेस्ट कंट्रीज में आता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए. और यहाँ पर आपको ऐसे ही एनिमल्स मिलेंगे जैसे कि बियर्स, टर्कीज, वॉल्स, बिसन. और यहाँ पर आपको मौसम भी मिला जुला मिल जाएगा. उसके बाद हम आते हैं साउथ अमेरिका. तो द फाइनल कंट्री इज द साउथ अमेरिका विच टेक्स अप अबाउट 6.99 बिलियन स्क्वायर माइल्स एंड इज होम टू अबाउट 420 मिलियन पीपल. साउथ अमेरिका इज होम टू बी द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द अमेजन रिवर. तो साउथ अमेरिका में आपको
दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है लार्जेस्ट रिवर अमेजन मिल जाएगी साउथ अमेरिका जोन 200 ऑफ डिफरेंट एनिमल्स विद मैनी एनिमल्स दैट हैव येट टू बी डिस्कवर्ड यट। तो अमेजन जो अमेजन रिवर है वो आपको साउथ अमेरिका में मिलेगी, लेकिन अमेजन के जो जंगल है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से मिलते हुए दिखेंगे। द क्लाइमेट इन साउथ अमेरिका इज वेरी सिमिलर टू द अफ्रीका इन द साउथर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर सब आर्कटिक एंड द नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल। द अमेजन रिवर वैली इज वेरी ट्रॉपिकल एंड इज मैसिव टेकिंग अप मोस्ट ऑफ ब्राजील। तो ये आपको ब्राजील से मिलती हुई ब्राजील से गुजरती हुई ये आपको नदी मिलेगी अमेजन रिवर, जो दुनिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट जो है वो अमेजन फॉरेस्ट है। ओके, तो ये हमारा आज का वीडियो था 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। इसमें आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे ओल्ड ट्यूटोरियल्स एंड प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।